सबके चाहते भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी के जैसे सुंदर मनोरम और भव्य परिकल्पना के साथ राजधानी रायपुर में भी अब आवासीय परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दोस्तों, कभी न कभी तो आपने परिकल्पना की होगी कि आपके आने वाली पीढ़ी को कैसा संस्कार मिलने वाला है और वो अपने धार्मिकता को लेकर के कितने सजग रहने वाले हैं। और ये सारी बातें दोस्तों निर्भर करती है हमारे आसपास के माहौल के ऊपर कि हम किन लोगों के बीच रहते हैं और हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है। यदि आप चाहते हो एक अच्छा वातावरण जहां पर आपको शीतलता, मधुरता और धार्मिकता का वातावरण मिले, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप रायपुर से, और आप सभी को मेरे YouTube चैनल माई बजट माई होम्स में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 21 वर्षों में अपने सभी आयामों को हासिल कर मेट्रो शहरों के मुकाबले बहुत ही तेज गति से विकसित हो रही है। यहाँ की जनसंख्या में भी काफी तेज गति से वृद्धि हुई है और रायपुर शहर जो है बाहर के लोगों के लिए भी पहली पसंद है। रायपुर शहर के विकास कार्यों पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े हॉस्पिटल्स, मेडिकल सुविधा और साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी और व्यापार व्यवसाय को भी बड़े स्तर के पे ले जाने के सबसे बड़े बड़े अवसर यहाँ पर अवेलेबल है। अब इन सब के बीच राजधानी रायपुर में एक अच्छा सा आशियाना कौन नहीं चाहेगा। दोस्तों राजधानी रायपुर में विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे विकल्प के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन सभी विकल्पों के से हटकर है, इन सब सभी विकल्पों से बहुत ही परे है, जिसका नाम है श्याम सिटी। दोस्तों श्याम सिटी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये श्याम सिटी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से रखा गया है। लेकिन श्याम सिटी यहां सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी अनुभूति और उनकी उपस्थिति का एहसास भी है। दोस्तों श्याम सिटी प्रोजेक्ट के आउटलाइन के बारे में बताता हूं। श्याम सिटी प्रोजेक्ट रायपुर के दक्षिण में धमतरी से जगदलपुर जाने वाले रोड सेज बहार पुराना धमतरी रोड पर स्थित है। और मैं बात करूं इस लोकेशन के बारे में तो ये पुराना धमतरी रोड जो है अभी के समय में 4 लेन रोड पे कन्वर्ट हो चुका है और इसके साथ साथ इसके आसपास बहुत सारी खासियत है जो कि हमें अपने घर के आसपास की चीजों के रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीजें हमको चाहिए होती है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं बात करूं इस सड़क के और इसके आसपास के बारे में तो ये सड़क अभी 4 लेन रोड के रूप में बदल चुका है और इस रोड के ऊपर ही श्याम सिटी के मेन गेट मतलब मुख्य द्वार का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है समझ। इस सड़क में थोड़ी ही दूर के अंदर ही GEC इंजीनियरिंग कॉलेज, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, GD गोयनका स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल, NIT कॉलेज, ये सारी की सारी सुविधाएं लगभग 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको सामने में ही मिलता है, जिसके कारण से आप अपने बच्चों के प्राथमिकता मतलब स्कूली प्राथमिकता को पूरी कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें अगर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सुविधाओं की तो यहाँ पास में ही दानी केयर हॉस्पिटल, रायपुर हॉस्पिटल, NHMMI हॉस्पिटल, रामकृष्णा हॉस्पिटल जैसे और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनकी दूरी 5 से 10 मिनट के होने के कारण से ही 24/7 आपको मेडिकल सुविधा इमरजेंसी में भी अवेलेबल हो सकती है। यदि हम आवागमन और बेहतर रोड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, नया रायपुर रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी अन्य सुविधाएं भी जो है पास में हैं। इसके चलते आपको एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य में भी जाने के लिए बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट आपको साधन मिलता है और साथ ही भाग दौड़ की जीवन शैली में अपने मन को प्रसन्न करना और अपने समय को अपने साथ व्यतीत करने के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए यहां से कुछ ही दूरी पर कमल विहार योजना के द्वारा प्रस्तावित 100 एकड़ में वाटर स्पोर्ट्स जोन और रिक्रिएशन पार्क प्रस्तावित है, जो कि आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से भव्यता से आपको सामने देखने को मिलेगा। पास में ही यहाँ पर जंगल सफारी है, उसके अलावा नया रायपुर है, नया रायपुर के साथ साथ अगर आप देखेंगे मॉल है, मार्केट है, ये सारी चीजें हैं जिसमें आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ सप्ताहांत में या महीने के अंत में आप अपने परिवार को लेकर के एक पिकनिक भी आयोजन कर सकते हैं, जिससे आप अपने को, अपने आप को और अपने लोगों को अपना समय दे सकते हैं। दोस्तों मैंने ये सारी जानकारी आपको इसलिए दी क्योंकि आपको आपके श्याम सिटी से इन सभी चीजों की, सभी सुविधाओं की दूरी का पता चल सके और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस जोन और कहां जाना है, उसकी दूरी कितनी हो।
आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं अब श्याम सिटी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं कि श्याम सिटी में क्या चीज है जो आपके मन को भा सकता है। दोस्तों, श्याम सिटी की भव्यता की शुरुआत 28 एकड़ के क्षेत्रफल में शुरू हो रहा है, जो कि आधुनिकता और पौराणिकता का मिला जुला आवासीय परिसर है। दोस्तों, श्याम सिटी का मुख्य आकर्षण और जीवंत पर्यंत 7 मुख्य बिंदु है, जिसके कारण से ये परिसर में आपको वो अनुभव और वो माहौल देने वाला है जिसकी आप परिकल्पना कर रहे हैं। दोस्तों, वो 7 मुख्य बिंदु है आनंदवन, गोकुल धाम, कामधेनु स्थल, रास उद्यान, मैत्री उद्यान, निधिवन और क्लब लीला। दोस्तों, ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन काल को व्यतीत किया और उनकी पूरी अनुभूति और पूरी उनकी उपस्थिति उन ऐसे जगहों पे मौजूद है। दोस्तों, पहला बिंदु है आनंदवन। श्री कृष्ण जी के जीवन से प्रभावित सकारात्मकता, ऊर्जा और खुशहाली को देखते हुए आनंदवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां आप पहुंचते हुए दिन भर की भागा दौड़ी से थके हुए मन और शरीर को शांति और सुकून में बदल सकते हैं। यहां पर आपको श्री कृष्ण जी के वास्तविकता का एहसास और आनंद भरा वातावरण मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को सुकून भरा समय दे सकते हैं। और साथ ही आनंदवन में महिलाओं और सखियों के लिए बसंत ऋतु में झूले झूलने के लिए बाली इंडोनेशिया से प्रेरित होकर बड़े झूलों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी बिंदु है गोकुल धाम। दोस्तों, गोकुल धाम नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि गोकुल धाम में यहाँ पर श्री राधा और श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनने वाला है, और साथ ही मंदिर के सामने भव्य कमल कुंड होंगे, जिसमें पानी के साथ साथ कमल के फूल। गोकुल धाम मंदिर के पास ही मधुबन उद्यान भी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय फूल और प्रिय पौधे होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के पूजनीय पेड़ पौधे भी होंगे, जिसकी पूजा हम दिनों दिन हर दिनचर्या में करते हैं। तीसरी मुख्य बिंदु है कामधेनु स्थल, जहां पर आपको मातृत्व और प्रेम और वात्सल्य का एहसास देखने को मिलेगा। गौ माता के साथ बछड़े का दूध पीता हुआ एक बड़ा सा मूर्ति आपको इस चौक पे मिलेगा, इस स्थल पे मिलेगा, जिसको देखने मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख तकलीफ हमारे अंदर से चले जाते हैं और एक उत्साह और एक कॉन्फिडेंस का एहसास होता है। चौथी मुख्य बिंदु की बात करें तो आता है मैत्री उद्यान का नाम। मैत्री शब्द का अर्थ होता है मित्रों और मित्रता से। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में मित्रता का बहुत ही अधिक महत्व रहा है। इसी को देखते हुए हम यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के युवा और बुजुर्गों के लिए भी मित्रता या मैत्री उद्यान का निर्माण किए हैं, जहां पर सभी की मेल जोल होगी और अपना मित्रता बढ़ता जाएगा। पांचवी बिंदु है रास उद्यान। दोस्तों, रास उद्यान में आपको सारे धार्मिक समागम और त्योहार को एक साथ मनाने का मौका मिलेगा, जिसके कारण से पूरे सोसाइटी पे, पूरे श्याम सिटी में एक खुशहाली भरा माहौल मिलेगा, और ये माहौल हम सभी को एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के साथ खींचेगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको श्याम सिटी आवासीय परिसर के सिर्फ 5 बिंदुओं के बारे में ही बताया है। छठवां बिंदु और सातवां बिंदु अभी बाकी है, जिसका नाम है निधिवन और दूसरा है क्लब लीला। पर दोस्तों, इसके बारे में आपको इस वीडियो में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। इसमें इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे चीजें हैं, जिसको मैं आपको आपके सामने ही या हम जब मिले तब मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, और अगर ये वीडियो की कुछ चीजें आपको अच्छी लगे, लगता है आपको कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसमें जरूर संपर्क कीजिएगा और मैं आपको उस स्थान पर ले जाकर के दिखाऊंगा, उसकी पूरी प्लानिंग समझाऊंगा कि श्याम सिटी क्यों बेहतर है दूसरे अन्य प्रोजेक्ट से। दोस्तों देखिए, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी हर चीजें आपको रायपुर में हर जगह पे मिलेगी, पर किसी किसी चीजों का यूएसपी और यूनिक चीज होता है
जिसके कारण से हमको वो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं ये वीडियो आपको बेचने के कारण से नहीं बना रहा हूं, मैं इसका वीडियो बनाने का सिर्फ ये कारण है कि मैं इसकी इस प्रोजेक्ट की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति सम्मान करते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप इसी के साथ अगर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके मुझको कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरे तरीके से आपको इस पे दिखाऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे भी आसपास के प्रोजेक्ट्स में जो सारी एमिनिटीज होती है, जो सारी डेवलपमेंट होते हैं, वो सारे डेवलपमेंट्स आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगे। गार्डन्स है बहुत सारे, सब प्लॉट के साइज आपके पूरे वास्तु के अनुसार है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसके साथ साथ जो भी बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक सुविधा, बेसिक डेवलपमेंट होता है, वो सारी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेगा और बहुत सारी चीज है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जिस किसी को भी इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट होगा, वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा, पूरी तरीके से समझा, और इस वीडियो को देखते रहे, इस चैनल को देखते रहे, क्योंकि अभी और भी अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रायपुर शहर में। मेरे पास में लगभग 50 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वीडियो के बारे में, जिसके प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको इस चैनल पर डालते जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे से जरूर संपर्क कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, शैलेंद्र देवांगन मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।